जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आपके बीएड में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट्स है तो इसमें शिक्षा से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, या फिर आपसे कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए और शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए। तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी आसान से शब्दों में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, या फिर आपसे अगर सवाल पूछे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शिक्षा शब्द जो है ना, शिक्षा संस्कृत के सिच धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। आपको पता है सिच प्लस अ शिक्षा हो गया, तो शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द संस्कृत के सिच धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव और नवीन ज्ञान प्रदान करता है वह शिक्षा है। देखिए, किताबें पढ़ना, आप किताबें पढ़ के साक्षर बनते हैं, लिटरेट होते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है कि वह कार्य जो व्यक्ति के अंदर नवीन अनुभव और नवीन ज्ञान प्रदान करे, वह शिक्षा है। और शिक्षा केवल विद्यालय में प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु शिक्षा हर एक वह इंसान जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित करता है, वह भी शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा का अर्थ। एग्जाम्स में आप ऐसे आसान से अपने शब्दों में लिखिए। अब हम चलेंगे शिक्षा के परिभाषा की तरफ। तो जिस चीज को मैंने अर्थ में एक्सप्लेन किया है, उसी चीज को महान विद्वानों ने भी कहा है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को किस प्रकार से परिभाषित किया, बिल्कुल आसान से। देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास से, अर्थात शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के संपूर्ण विकास से। महात्मा गांधी ने शिक्षा कहा कि शिक्षा वो है जो इंसान का सर्वांगीण विकास करे, मस्तिष्क, आत्मा, मनुष्य का शरीर, हर एक चीज विकास करने वाली को ही शिक्षा कहते हैं। अब प्लूटो के अनुसार देखिए क्या कहा, प्लूटो ने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है, उस ट्रेनिंग से है जो अच्छी आदतों द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास करे। प्लूटो ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य क्या है, ऐसी अच्छी आदतें जो बालक में नैतिकता का विकास करे। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने कहा था कि शिक्षा मानव को सुयोग्य नागरिक बनना सिखाती है तथा उसका व्यक्तित्व विकास करती है। इन तीनों परिभाषाओं में यह चीज कॉमन रखा गया कि सर्वांगीण विकास मतलब शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का विकास, नैतिकता का विकास, अच्छा नागरिक बनने के लिए यही सारी चीज शिक्षा होती हैं। तो अब आसान से शब्दों में यहाँ लिख दीजिए कि उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं जो बालक को समाज में रहने वाले विकास की क्षमताओं की वृद्धि कर उसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इंसान क्या करता है, ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता और विद्या ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। तो ये हो गया शिक्षा की बेहतरीन तीन परिभाषा, महात्मा गांधी, प्लूटो और कौटिल्य के अनुसार। अब आइए हम चलते हैं शिक्षा के उद्देश्य की तरफ। दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे कि सर्वांगीण विकास करना, नैतिकता का विकास करना, ये सारी चीज़ों को। लेकिन थोड़ा सा आपको और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा शिक्षा के उद्देश्य में, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो अगर आपसे प्रश्न शिक्षा का उद्देश्य पूछता है या फिर वर्तमान भारत में शिक्षा का उद्देश्य, तो आप बता सकते हैं कि वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को हम दो तरीकों से क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे शिक्षा का पहला उद्देश्य समाज के लिए उद्देश्य, कि शिक्षा से समाज को क्या फायदा होने वाला है, और दूसरा व्यक्ति के लिए उद्देश्य, यानी कि जिस बालक को आप शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए क्या फायदे होने चाहते हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि समाज के लिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, शिक्षा से आप समाज को कैसे बदल सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गया है। जैसे समाजवाद की स्थापना, एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। सांप्रदायिक समस्याओं को समाप्त करना, जैसे भी कॉन्ट्रोवर्शियल है ना, जैसे कि धर्म के नाम पे लड़ना, जाति के नाम पे लड़ना, लिंग भेदभाव करना, छोटी, ये सारी चीज़ों को समाप्त करना, सांप्रदायिक समस्याओं को समाप्त करना समाज के लिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। और प्रचलित कुप्रथा का विरोध, जैसे कि दहेज लेना, बेटी है तो नहीं पढ़ सकती है, पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ों को हम प्रचलित कुप्रथा का विरोध करना और नेतृत्व की भावना डेवलप करना, समाज का हर एक इंसान लीडर्स बन सके, पूरे विश्व में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके, यह सामाजिक उद्देश्य है शिक्षा का। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को प्रोत्साहन करना, सहयोग एवं संगठन कार्य के भावना का विकास करना। दोस्तों, ये आपके पॉइंट हो गए, इसके अंदर क्या लिखना है मैं वो भी आपको बताता हूँ।
लेकिन उससे पहले हम आइए देख लेते हैं कि व्यक्ति के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो व्यक्तिगत शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, एक इंसान को आप इसलिए शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक बौद्धिक विकास हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके, चरित्र निर्माण हो सके, शारीरिक स्वास्थ्य एवं शक्ति प्राप्त कर सके, व्यावसायिक परीक्षण मतलब ऐसी शिक्षा जहाँ से वो अपने दिनचर्या के लिए कुछ व्यवसाय भी कर सके और वो खेल कूद का सम्मान करे, खेल कूद में अपने देश का नाम रोशन करे, ये व्यक्तिगत शिक्षा हो गई। और ये हो गया हमारा सामाजिक शिक्षा। दोस्तों ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर क्या लिखना है मैं आपको एक PDF दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट। तो दोस्तों इस PDF में आप देखेंगे तो शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य समाज के लिए और व्यक्ति के लिए उद्देश्य हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं ना उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे समाज के शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, समाजवाद की स्थापना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, जैसे वर्तमान भारत का उद्देश्य एक समाजवादी आदर्श समाज की स्थापना करना है, ये सारे आपको पूरा ऐसे नोट्स मिल जाएगा। सांप्रदायिक समस्याओं को समाप्त करने के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, अगला पॉइंट प्रचलित कुप्रथा के विरोध में आपको क्या लिखना है, और जो भी व्यक्तिगत शिक्षा थी ना, जैसे व्यक्तिगत शिक्षा को मैं आपको दिखा दूँ, बौद्धिक विकास के अंदर आपको क्या लिखना है कि जैसे कि वर्तमान युग में विज्ञान एवं तर्क का युग है भारत, तो ये सारी चीजें आपको क्या पॉइंट्स लिखना है इसको मैं PDF के तौर पे आपको शेयर कर दूंगा। पॉइंट्स वही है दोस्तों, पॉइंट्स यही सारे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या लिखना है अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको PDF तैयार करके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है वहां क्लिक करिए, मैं वहां पे आपको ये PDF शेयर कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे PDF को। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल से जुड़िए सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम से जुड़िए, और दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा के इस अकाउंट से मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो और यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न आपके कॉलेज एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे, तो आप प्लीज़ इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़ के आप मुझसे PDF ले लीजिए और प्लीज़ अपने पढ़ाई को जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे ठीक इसी प्रकार से दर्शन के बारे में कि दर्शन क्या होता है, दर्शन की परिभाषा क्या होती है, तो हम दर्शन को देखेंगे, ठीक है, फिलोसफिकल देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।